नमस्कार जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसमें आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और लाइसेंस कितने दिन पुराना होना चाहिए तथा मेल और फीमेल दोनों की ही बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों काफी सारे विद्यार्थियों ने बार बार कमेंट करके पूछा है कि सर कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, फोर व्हीलर की, टू व्हीलर की या फिर दोस्तों और भी बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, आपको पता होगा। दोनों की जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये लाइसेंस नहीं बनवाया तो आपको पछताना ही पड़ेगा, आप दिल्ली पुलिस की भर्ती नहीं देख सकेंगे। आगे बढ़े उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा आप चैनल के ऊपर नए हैं और दिल्ली पुलिस की नई भर्ती से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप इस लाल रंग के बटन को दबा दीजिए जो आपको वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा होगा। जैसे दोस्तों आप इसे दबाएंगे इस प्रकार से हो जाएगा, इस पास में आ जाएगा बेल आइकन। अब आपको इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है, फिर जब भी दिल्ली पुलिस की नई भर्ती की कोई भी सूचना आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले आप लाइसेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल तो आपका ये दूर कर देता हूं यहां पर कि कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर। यानी दोस्तों गाड़ियां दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होगा, एक तो वो गाड़ियां जिनमें सिर्फ दो ही व्हील होते हैं और ऐसी जिनमें चार व्हील होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको दिल्ली पुलिस में टू व्हीलर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको फोर व्हीलर का लाइसेंस है उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये भी तीन प्रकार का होता है, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस और हैवी लाइसेंस। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस है, इसकी अवधि मात्र एक महीना होती है। मान लो आपकी एज आज 18 साल हो गई और अगर आप आज ही लाइसेंस बनाने चले जाओगे तो दोस्तों जो परमानेंट लाइसेंस होता है इसके बनाने में लगभग एक से डेढ़ महीने का टाइम लगता है। तो दोस्तों जैसे आप लाइसेंस बनवाने जाओगे आपको यहां पर एक अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाएगा जो होता है लर्निंग लाइसेंस। ये सिर्फ एक महीने के लिए होता है, एक महीने के बाद ये खराब हो जाएगा, फिर इसका कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों इस एक महीने के टाइम में आपका परमानेंट लाइसेंस वो तैयार हो जाता है और जब आप एक महीने के बाद लाइसेंस लेने जाओगे तो आपको परमानेंट लाइसेंस दे दिया जाएगा, फोर व्हीलर का या टू व्हीलर का, जो भी आप बनवाना चाहो। लेकिन दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको फोर व्हीलर का लाइसेंस ही बनवाना होगा। और दोस्तों एक लाइसेंस होता है हैवी लाइसेंस, ये दोस्तों होता है बड़ी गाड़ियों का। जिस प्रकार से मान लो आपको हाईवे के ऊपर बड़ी गाड़ी, जिस प्रकार से जो ट्रांजिशन के आपको पता होगा यातायात के बड़े साधन होते हैं, ट्रक वगैरह, कोई बड़ी बस, उनके लिए दोस्तों आपको हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस की अगर बात करें कि इसमें आपको भर्ती देखने के लिए कौन सा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा तो दोस्तों वो है परमानेंट लाइसेंस। अगर आप दिल्ली पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं तो आप परमानेंट लाइसेंस बनवाएं फोर व्हीलर का, तभी आप भर्ती देख पाएंगे। अब बात करते हैं मेल और फीमेल की। तो दोस्तों देखिए मेल हो या फीमेल दोनों में एक ही नियम लागू होता है लाइसेंस का, इसलिए अगर आप मेल और फीमेल दोनों में से कोई से भी हैं तो आपको ये बनवाना जरूरी है, इसके बिना आप दिल्ली पुलिस की भर्ती नहीं देख सकेंगे। और दोस्तों अगर बात करें कि लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए तो देखिए दोस्तों इसका कोई भी मतलब नहीं है, लाइसेंस चाहे एक दिन पुराना हो और चाहे लाइसेंस 10 साल पुराना हो, लाइसेंस लाइसेंस होता है, इसमें समय की अवधि नहीं देखी जाती है कि वो कितना पुराना है तभी चलेगा। मान लो 6 महीने पुराना है तो सही रहेगा, 1 साल पुराना है तो सही रहेगा। अगर दोस्तों मान लो आपने आज ही लाइसेंस बनवाया है परमानेंट लाइसेंस और अगर कल दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई तो भी वो चल जाएगा, इसमें कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए और आपको डरने की जरूरत भी पर नहीं पड़ने वाली है। और दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब दिल्ली पुलिस की नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अगर आपके मन में अभी भी लाइसेंस से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको उसका जवाब जरूर जरूर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक तथा अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करना ताकि सभी विद्यार्थियों के मन में जो डाउट है लाइसेंस से संबंधित वो दूर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।